मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये चार धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने चार पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं। और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राग्य तोरणा चया तड़ाकर केयूरा पृथ्व्याम ककुदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारिका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्वविदों से जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी।
मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अद्भुत आनंद होगा।